मुंबई में सक्रिय है बोल बच्चन गैंग। इनके द्वारा ठगने का तरीका बेहद अलग। देखिए पूरी खबर। बोल बच्चन कर वृद्ध महिलाओं को ठगने वाला एक आरोपी हुआ गिरफ्तार। वसई माणिकपुर पुलिस ने एक वृद्ध महिला को बातों में फंसा कर लूटने वाले बोल बच्चन गैंग के एक आरोपी को कल्याण से गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है। गिरफ्तार आरोपी अर्जुन सलाट उर्फ मारवाड़ी ने 9 सितंबर को अपने एक साथी के साथ मिलकर वसई स्टेशन के पास सब्जी खरीदने आई एक 65 साल की बुजुर्ग महिला को यह कहकर उसके हाथों में 500 के एक नोट का बंडल पकड़ा कर कहा कि उसके मालिक का काफ़ी नुकसान हो गया है, मगर आप इसे रख लो और हमें अपने सोने के गहने दे दो। दोनों युवकों ने बड़े ही दर्द भरे लफ्ज़ों में बात कहकर सकपाल को अपनी बातों में फंसा कर उनके अपने शरीर पर पहने गहने उसे नोटों का बंडल देकर चलते बने। मगर जब सकपाल ने बंडल खोला तो पाया कि उसके अंदर 500 के नोट की जगह सिर्फ कोरे कागज ही हैं। दोनों युवकों ने अपनी बातों के जाल में फंसा कर उसके शरीर पर मौजूद सोने के बैंगल, चैन और कान की बाली ठग कर फरार हो गए। महिला से शिकायत मिलने के बाद वसई माणिकपुर ने अज्ञात आरोपी के खिलाफ IPC की धारा 420 और 34 के तहत मामला दर्ज कर उनकी तलाश शुरू कर दी। माणिकपुर पुलिस को मुखबरों से एक आरोपी के बारे में जानकारी मिली। पुलिस ने आरोपी को जाल बिछाकर कल्याण से गिरफ्तार किया। वसई माणिकपुर पुलिस की हिरासत में मौजूद इस सातिर ठग का नाम अर्जुन सलाट उर्फ मारवाड़ी को मुखबिर से मिली सूचना के बाद कल्याण के नेवाली गांव में पड़ने वाले हाजी मलंग परिसर के पास जाल बिछाकर गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार आरोपी ने 9 सितंबर को अपने आरोपी साथी के साथ मिलकर 65 साल की ज्योति दत्ताराम सकपाल को उस समय अपने बातों में जाल फंसा कर लुटाया था जब वो सब्जी खरीदने के लिए वसई रेलवे स्टेशन पर जा रही थी। माणिकपुर पुलिस ने गिरफ्तार आरोपी के पास से 2,78,123 रुपये के लगभग 80 ग्राम के सोने के गहने बरामद किए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, समय नेशनल, वसई। दिनांक 9 सितंबर 2022 को माणिकपुर पुलिस स्टेशन जुलूस के अंदर जो आनंद नगर एरिया है, वो आनंद नगर एरिया के एक रहने वाली 65 उम्र की जो लेडी है उसका नाम है ज्योति दत्ताराम सकपाल। वो लेडी शाम के टाइम में सब्जी लेने जा रही थी, उसी टाइम में दो बंदे उनके पास आए। उन्होंने बताया कि हमारे मतलब हमने मालिक के उधर हमारे उसे नुकसान हुआ है, लेकिन हमने उनसे कुछ पहुँच लाया है जो पॉकेट लाया है, तो दूसरा बोला पॉकेट के अंदर कुछ है, वो पैसा है करके बोला कि हमारे पास एक बंडल है पास होगा। तो वो लोगों ने वो बंडल का आमिस दिखा के वो लेडीज़ से जो भी ज्वेलरी था कम से कम 55,000 का ज्वेलरी था वो उनको ज्वेलरी लिया और उनको जो बंडल दिया वो सब बंडल झूठ निकला था। तो इसके साथ अपने इधर गुना दाखिल है, उसका नंबर है 319/2022 अंडर सेक्शन 420 और 34 से दाखिल है। इसके पीछे पालघर पुलिस है, अपना मेरा बना अलग पुलिस है, नई मुंबई है, थाना ग्रामीण, थाना सिटी, क्योंकि ये ऐसा जो घटना हुआ है ये कल्याण रेलवे, वसई रेलवे, नाला सोपारा, तुलिंज, माणिकपुर, काफ़ी जगह ऐसा घटना हुआ है। सर इसमें जो नोट किया था उसका क्या कागज उसके अंदर रखा था, तही मार के क्या डुप्लीकेट नोट थे, क्या थे कि बच्चों डुप्लीकेट नोट था वो ये लोग रहने वाले किधर टारगेट करते थे कहीं उनका वही का टारगेट खासा है कि ज़्यादा से करके वो सीनियर लेडीज रहता है उनको खाली टारगेट करते हैं। सर ये लोग रहने वाले किधर के और ये पैसे का क्या यूज करते थे? ये एक्चुअली वो रहने वाले अहमदाबाद के है, ये अहमदाबाद से आते हैं 15 दिन यहाँ रहते हैं और ऐसा कांड करके फिर वापस चले जाते हैं। क्या इनकी बड़ी गैंग ऐसा हो सकती है और लोग कहीं करते रहेंगे, ये लोग यहाँ करते हैं, कुछ एरिया कुछ बटा हुआ ऐसा कुछ मालूम हो सकता है? जो हमारे जो डीबी के स्टाफ है, सबको निशाना साहब है, भोपले साहब है, उनका स्टाफ है, वो लोगों ने पूरा एरिया का सीसीटीवी चेक करके पूरा आंतरिक तपास करके वो लोगों को टोटल। अभी इसमें कितने आरोपी हैं और कितना माल जब्त किया गया? अभी फिलहाल 2 आरोपी उसमें और कम से कम 2,70,123 का अपन सोना हस्तगत किया है। लोगों को क्या इस बारे में? बस लोगों में यही आह्वान करेगा कि जब भी मार्केट जाते हैं या कभी शॉपिंग के लिए जाते हैं, सब्जी लाने जाते हैं, तो ऐसा अगर कोई बंदे मिलते हैं जो कभी आगे मर्डर हुआ है या कोई बाबा बंडल है या कोई हम गरीब है उससे साड़ी बांट रहा है, ऐसा घटना हो के लोग जो फंसाते हैं सावधान होना चाहिए और तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म करना चाहिए।